करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 10th क्लास का बायो का सेकंड नंबर चैप्टर है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने फर्स्ट क्यों नहीं पढ़ाया। दरअसल फर्स्ट जो चैप्टर है थोड़ा सा बिट हल्का सा बोरिंग है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टीचिंग यू लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो चैप्टर है इसका सबसे पहले हम देखते हैं है किसका, क्लास 10th। तो फिलहाल हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज को अपने कंट्रोल में ले लेना। जैसे कि हाथ है वो हमारे कंट्रोल में चलता है, हम चाहें तो ऐसे घुमाएं ऐसे घुमाएं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हम हाथ को घुमा रहे हैं चला रहे हैं, साथ में हमारी आंखें भी काम कर रही हैं, उसके साथ हमें हाथ हमारे चलने में काम दे रहे हैं, और हमारा जो पैर है उसी समय जिस समय हम हाथ चला रहे हैं उसी समय पैर की वजह से हम खड़े हुए हैं और साथ में मुंह से आपसे बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेन्स एक साथ जब कोई विशेष कार्य को करते हैं और उस कार्य का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट एक ही बन जाता है। जैसे अब हम जानते हैं जैसे म्यूजिक अगर हम बजाएं तो म्यूजिक में बहुत सारी चीजें बजती हैं और उन सबको अलग अलग तरीके से बजाएंगे तो म्यूजिक नहीं बन पाएगा, उन सबको एक साथ कोऑर्डिनेशन में रहकर के बजना होता है, उसके बाद ही एक अच्छा सा सुंदर सा म्यूजिक हमें सुनाई देता है। तो उनका जो तालमेल है सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ठीक है। अब कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल ह्यूमन कर रहा है। तो इसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, कौन सा ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो हमें पूरी तरीके से कंट्रोल में रखता है और उसके कंट्रोल में रहते हुए हम काम करते हैं, कौन सी ऐसी चीज है प्लांट के अंदर जो प्लांटों को कंट्रोल में रखती है और प्लांट भी उसके कंट्रोल के तहत काम करते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी भी वर्क करती है, बेशक वो लोकोमोशन नहीं करते, बेशक प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते, लेकिन वो भी अपने अंदर बहुत सारी केमिकल प्रोसेस को प्रोसेस में रखते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस, वो आपने सुना है, ठीक है, फूड का स्टोर होना, फलों का बनना, फूल का आना, नई पत्तियों का बनना, ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के द्वारा ही समझी जाएंगी और समझी जा सकती हैं, ठीक है। तो बायो का चैप्टर ये इसीलिए बना हुआ है। तो फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ऑल ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरमेंट अराउंड देम। अब ऑल ऑर्गेनिज्म जितने भी जीव जंतु हैं, प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट हो अथवा एनिमल्स हो, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, रिस्पॉन्ड भी करते हैं रिएक्ट भी करते हैं टू द चेंज इन द एनवायरमेंट अराउंड देम। जो भी उनके चारों तरफ जो एनवायरमेंट है उसमें जो परिवर्तन आता है, उसमें जो चेंज आता है, उसके अकॉर्डिंग प्लांट भी एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर एनिमल किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। सपोज दैट अगर कहीं पड़ोस में आग लग जाए तो मनुष्य क्या है कि हम लोग अपने आप को बचाने के लिए तुरंत भाग खड़े होते हैं। तो ये जो हमारा जो रिएक्शन देना था आग के प्रति, वो हम इसके अंदर कैसे दिया, किस तरीके से हमने रिस्पॉन्ड किया, क्यों किया, कौन से पार्ट में क्या हुआ, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्लांट के बारे में। प्लांट के बारे में हम ये जानते हैं कि अगर प्लांट को हम थोड़ा सा छांव में लगा दें और थोड़ी दूर पर धूप हो तो प्लांट क्या होगा, धूप की तरफ लच जाएगा। तो प्लांट का धूप की तरफ लच जाना ये भी एक प्लांट का एनवायरमेंट में आए चेंज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड देना ही है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे द चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिम्यूली। अब जैसे अभी बाहर जो आग लगी थी उसके प्रति जो हमने रिएक्शन किया तो आग का लगना स्टिम्यूली हो गया, क्या हो गया, स्टिम्यूली, और जो हम भाग खड़े हुए वो हो गया हमारा उस स्टिम्यूली के प्रति हमने क्या किया, रिस्पॉन्ड करना हो गया हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि बाहर में एनवायरमेंट में जो चेंज आते हैं उन्हें हम स्टिम्यूली कहते हैं, हिंदी में उन्हें उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है बाहर के जो एनवायरमेंट में चेंज आते हैं उनके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं।
द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली सच एज लाइट। अब हम थोड़ी सी उन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसे स्टिमुली हैं जिनके प्रति हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, जिनके प्रति हम रिएक्ट करते हैं। जैसे लाइट, प्रकाश के प्रति। हमें ये मालूम है कि हम ज्यादा देर तक अंधेरे में नहीं बैठते, क्योंकि अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता, तो हम ज्यादातर अपने आप को प्रकाश में रखते हैं। रात में जब सोते हैं तो अंधेरे में ही सोते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जब हम भी कुछ भी वर्क करते हैं तो हम किधर जाते हैं? लाइट की तरफ। इसी तरीके से प्लांट भी लाइट की तरफ ही अपने आप को मोड़ लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो, इसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ाया जाएगा कि प्लांट किस तरीके से लाइट के प्रति रिस्पॉन्ड करता है और क्यों करता है। फिलहाल आगे है हीट के प्रति। अब हमें मालूम है कि हमारा अगर हाथ गलती से किसी गर्म चीज पे रख जाए तो हम तुरंत उस हाथ को अपने को हटा लेते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है रिस्पॉन्ड करना किसके प्रति? हीट के प्रति। कोल्ड के प्रति, सर्दी के प्रति भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो हम मोटे मोटे स्वेटर पहनना शुरू कर देते हैं और कपड़े भी गर्म पहनना शुरू करने के साथ में रात में जब सोते हैं पलंग पर भी हम गर्म कपड़ों में ही सोते हैं। तो ये जो हमारा एकदम से रिएक्ट करना था एनवायरमेंट में अकॉर्डिंग, चेंज के अकॉर्डिंग, तो वो भी एक तरीके से क्या था? स्टिमुली था। स्टिमुली यहाँ पर कौन है? कोल्ड है। साउंड के प्रति भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर बहुत ज्यादा लाउड नॉइस हो तो हम क्या करते हैं? लाउड नॉइस हो तो अपने आप से ये कहते हैं कि भाई ये म्यूजिक कैसे भी कम हो जाए, और फिर हम म्यूजिक कम कर देते हैं तो हमारा जो म्यूजिक, जो भी साउंड बाहर हो रहा है, नॉइस हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है बहुत ज्यादा और हमें पसंद नहीं, हमारे कानों में परेशानी दे रहा है, तो हम उसको कम कर देते हैं। तो ये भी हमारा रिस्पॉन्ड करना हो गया किसके प्रति? साउंड के प्रति। स्मेल, हमें लोग मालूम है कि जैसे हम रास्ते से जा रहे हों तो जाते समय अचानक से बदबू आने लगे तो हम क्या करते हैं? अपने नाक बंद कर लेते हैं। तो ये हमारा जो हमने जो रिएक्टिविटी की, जो हमने एक्टिविटी की, वो क्या था? एक तरह से रिस्पॉन्स था किसके प्रति? स्मेल के प्रति। अब आता है टेस्ट। कोई चीज हम अच्छी चखते हैं तो हम कहते वाह, और कोई खराब मिल जाए तो हम कहते वे। तो इस तरीके से ये जो रिस्पॉन्ड करना है तो ये किसके प्रति है? टेस्ट के प्रति। अब टच की बात करते हैं। अगर कोई मुलायम सी कोई चीज सूने को मिल जाए तो हम कहते वाह क्या बात है, कितनी मुलायम है, अच्छी है, और वहीं अगर कांटेदार हो तो ओहो कांटे चुभ गए। तो इस तरीके से यहां पर ये टच के प्रति हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। टच के द्वारा भी हम अपने एनवायरमेंट में रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा है प्रेशर। कोई हमें तेजी से ऊपर दबाने लगे और हमें लगे हमारी हड्डी टूट जा रही है तो हमें भाई बस बस रहने दे, एकदम घुट रहा है, ये हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, हड्डियों में दर्द हो रहा है। तो इस तरीके से प्रेशर के प्रति भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, पेन दर्द के प्रति भी। मान लो कि हम साइकिल पे बैठे हुए और साइकिल के आगे वाले जो पोल होता है उस पर बैठे हुए तो दर्द होने लगता है पीछे। ज्यादातर हम छोटी उम्र में बैठते हैं जब स्कूल जाते हैं, तो उसमें भी हम कहते हैं कि भाई पीछे बिठा ले, आगे बहुत दर्द हो रहा है पोल पे। तो हमने ये किस क्या किया? पेन के प्रति रिस्पॉन्ड किया। हम पेन को सहन नहीं कर सकते, हम पेन को ज्यादा देर तक झेल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? पोजीशन को चेंज कर लेते हैं या कुछ वगैरह वगैरह अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए। तो जो भी हमने पेन के कारण किया तो पेन तो वहां पर क्या हो गया? स्टिमुली हो गया, और जो हमने किया वो हमारा रिस्पॉन्ड था। वाटर के प्रति भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमें मालूम है कि पानी जब गहरा हो तो हम पानी में नहीं जाते, क्यों? हमें मालूम है कि हम डूब जाएंगे, या फिर हमें प्यास लगी होती तो हम पानी के पास जाते हैं तो हम पानी को पीते। तो दोनों से, पानी से दूर जाना, पानी के पास जाना, ये भी एक रिस्पॉन्ड था किसके प्रति? वाटर के प्रति। अब हम देखेंगे फोर्स, फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। हमारी बॉडी और प्लांट दोनों ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी के प्रति रिस्पॉन्ड रहते हैं। दरअसल क्या होता है कि हमारी बॉडी लगातार पृथ्वी के द्वारा सेंटर की तरफ खींची जाती रहती है, तो हम लगातार पृथ्वी के ग्रेविटी की वजह से हमेशा अपने अंदर एक खिंचाव सा महसूस करते रहते हैं। हम जैसे जंप लगाएं तो हमें मालूम है कि हम ज्यादा जंप नहीं लगाते और ना ही ज्यादा ऊंचे से कूदते हैं। हमें मालूम है कि अगर हम ज्यादा ऊंचे से कूद गए तो पृथ्वी ग्रेविटी की वजह से हम तेजी से नीचे आएंगे, और जब नीचे आएंगे तो फिर क्या होगा? हमारी बॉडी में चोट लगेगी। तो ये हमारा ज्यादा ऊंचाई से ना कूदना, ये भी ग्रेविटी के प्रति एक तरह से रिस्पॉन्स है। और प्लांट किस तरह से रिस्पॉन्स देता है ग्रेविटी के प्रति? जैसे प्लांट क्या होता है, प्लांट की जड़ें, जैसे बीज आपने जमीन में गाड़ दिया तो हमने देखा होगा कि बीज अगर जमीन में गाड़ दिया उपजेगा तो जड़ें हमेशा नीचे जाती हैं, और हमारा जो
शूट होता है, जिसे हम किल्ला कहते हैं हिंदी में, वो हमेशा ऊपर निकल के आता है। शूट मतलब होता है किल्ला, जो छोटा सा अंकुर निकलता है बीज के अंदर, वही जब बीज उपजता है उस समय की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा ऊपर जाएगा और जड़ें जो रूट हैं वो हमेशा जमीन पर, जमीन के अंदर जाती हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है प्लांट की ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, तो ये था स्टिमुली। इतने सारे स्टिमुली हमारे बाहर एनवायरमेंट में हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, इसलिए ETC लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुली इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर द बॉडी पार्ट। अब स्टिमुली के प्रति जो भी रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी, तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी क्या करती है, मूवमेंट करती है। जैसे बाहर पानी है, आग है, दर्द है, इन सब से हाँ मनुष्य क्या करता है, बचने के लिए कुछ ना कुछ मूवमेंट तो करता ही है। दूसरा एग्जाम्पल, इफ अ मैन टच अ बैरी द हॉट यूटेंसिल, मान लो किसी आदमी ने बहुत ही गर्म यूटेंसिल छू लिया एक्सीडेंटली, अचानक से ही या सी, हो सकता है कोई लड़का हो लड़की हो, क्योंकि पुल्स इज द हैंड, वो अचानक से अपना हाथ हटा लेंगे अबे फ्रॉम हॉट यूटेंसिल, किससे, दूर हटा लेंगे हॉट यूटेंसिल से। तो इनका जो हाथ हटाना है, गर्म वस्तु से हाथ हटाने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है रिस्पॉन्ड करना। और किसके प्रति रिस्पॉन्ड किया, हीट के प्रति हमने रिस्पॉन्ड किया। तो हीट क्या है, वहां पर स्टिमुली है, हीट को हम उद्दीपन कहेंगे, जो हटाने की जो प्रोसेस है जो हमने की उसे हम कहेंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के तहत काम करती है। अभी हम और भी चीजें इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अभी भी हमें कुछ पढ़ना है, तो वो क्या पढ़ना है, तो वो सीखना है। अभी हमें जानना है इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ, हमें बहुत कुछ जानना है भाई इंट्रोडक्शन में। तो क्या जानना है, द रिएक्शन टू स्टिमुली इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दरअसल क्या होता है कि स्टिमुली के प्रति जो रिएक्शन करना, स्टिमुली मतलब जैसे लाइट के प्रति हमने रिएक्शन किया, लाइट के धूप के प्रति जैसे हम क्या रिएक्शन देते हैं, जैसे धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा तो हम छांव में चले जाते हैं, तो इस तरीके से हीट के प्रति हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मनुष्य के अंदर, स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स करना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है बालक, विशेषता। आगे बढ़ते हैं। बोथ प्लांट एंड एनिमल रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुली। तो प्लांट और जो एनिमल होते हैं बोथ रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुली, ये दोनों ही मतलब क्या होता है, प्लांट और एनिमल दोनों ही बहुत अलग अलग तरह के उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे बाहर अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती हैं उनके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, अच्छा, अराउंड देम वेरियस स्टिमुली, अराउंड ARUND अराउंड देम, वहां स्पेलिंग पूरी नहीं बनी थी इसलिए मैंने इसको आधा लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर तो आप कंफ्यूज ना हो कि ARUND पूरी स्पेलिंग हो जाएगी अगर आप मिला के लिखेंगे। बोथ द मेथड ऑफ द रिस्पॉन्डिंग, जो मेथड है ना रिस्पॉन्ड करने की टू स्टिमुली इज नॉट द सिमिलर इन प्लांट एंड एनिमल, दोनों ही जो मेथड है रिस्पॉन्ड करने की प्लांट और एनिमल के अंदर सिमिलर नहीं, एक समान नहीं है। प्लांट में भी अलग तरीके रिस्पॉन्स करने का तरीका है और एनिमल में भी रिस्पॉन्स करने का बिल्कुल अलग तरीका है। उसकी वजह क्या है, देखो प्लांट जो होता है उसके अंदर सिर्फ हार्मोनल सिस्टम है, हार्मोन्स का ही यूज करते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके पास में नर्वस सिस्टम होता है और साथ में इंडोक्राइन सिस्टम भी होता है, इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स का यूज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट के पास में एडवांस जो नर्वस सिस्टम है रिस्पॉन्स करने के लिए वो नहीं है, एनिमल्स के पास में क्या होता है एडवांस नर्वस सिस्टम है रिस्पॉन्स करने के लिए टू वेरियस स्टिमुली इन अवर सराउंडिंग, जो हमारी सराउंडिंग में अलग अलग तरह के उद्दीपन होते हैं जैसे कि लाइट वाटर, जैसे मैंने आपको पढ़ाया उनके प्रति रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे पास में एक एडवांस नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक छोटा सा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्लांट बेंड टुवर्ड लाइट, प्लांट ऐसे झुक जाता है किसके प्रति भाई, लाइट के प्रति, लेकिन एनिमल नहीं झुकते, बट एनिमल डू नॉट बेंड टुवर्ड लाइट, लेकिन एनिमल लाइट के प्रति नहीं झुकते, बिकॉज एनिमल लाइट के प्रति क्यों नहीं झुकते, बिकॉज दे हैव नर्वस सिस्टम, क्योंकि एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम होता है एंड एन इंडोक्राइन सिस्टम, और साथ में इंडोक्राइन सिस्टम भी है इन्वॉल्विंग हार्मोन्स, जो अपने अंदर क्या शामिल कर रहता है, हार्मोन्स को शामिल कर रहता है, HARMONES, हार्मोन्स। द प्लांट रिएक्ट टू
स्टिमुली इन वेरी लिमिटेड वे. प्लांट जो होता है वो स्टिमुली के प्रति, उद्दीपन के प्रति बहुत ही लिमिटेड वे में रिस्पॉन्स कर पाता है, एक सीमित दायरे के अंदर ही वो रिस्पॉन्स कर सकता है. ठीक है, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, प्लांट डू नॉट हैव द नर्वस सिस्टम, क्योंकि प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता लाइक एनिमल है, जैसे कि एनिमल के पास होता है. तो इस वजह से प्लांट और एनिमल दोनों ही बाहर के जो उद्दीपन है, बाहर के जो स्टिमुली हैं, उनके प्रति बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं. प्लांट यूज ऑनली द हार्मोन टू रिएक्ट टू वार द स्टिमुली. प्लांट सिर्फ हार्मोन का यूज करते हैं. किसका? हार्मोन्स का यूज करते हैं बाहर के उद्दीपन के प्रति रिस्पॉन्स करने के लिए. बाहर जो आउटर सराउंडिंग में जो स्टिमुली हैं उनके प्रति रिस्पॉन्स करने में सिर्फ हार्मोन्स का यूज करते हैं. इसीलिए प्लांट के पास स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स करने के लिए बहुत ही लिमिटेड वे में तरीके होते हैं. ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, किसकी अपेक्षा, एनिमल की अपेक्षा. तो ये हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया. अभी और भी चीजों के बारे में हमें जानना बाकी है, तो बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में. तो अब हम सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में. आखिरी कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन. तो वी आर गोइंग टू स्टडी कोऑर्डिनेशन. ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है? दैट वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गेन ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. मतलब बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गेन्स का इस तरीके से काम करना कि जो बाहर का स्टिमुलस है उसके प्रति एक प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ने की एक एक्टिविटी करने के लिए हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट वर्क करेंगे? आंखें काम करेंगी, हाथ काम करेगा, माइंड काम करेगा, लिसनिंग पावर काम करेगी, और ये सारी चीजें हमारी एक साथ काम करती हैं, एक कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लिख रहे हैं और हमारा हाथ इधर भागने लगे, तो हम क्या करेंगे भाई, हम दुविधा में पड़ जाएंगे ना कि भाई हमारा हाथ, हम लिख रहे हैं यहाँ और ये भाग रहा है उधर. तो इस तरीके से हमारी बॉडी का हर एक जो पार्ट है एक कोऑर्डिनेशन में काम करता है, जिससे क्या है कि जो बाहर का स्टिमुलस है उसके प्रति प्रॉपर रिस्पॉन्स पैदा हो सके. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अचानक से हमारी छत गिरने लगे और हम देखें अरे भाई हमारी छत गिर रही है, तो हम क्या करेंगे, हम तेजी से भाग खड़े होंगे. किससे? रूम से बाहर. तो रूम से बाहर भागने में और छत से बचने के लिए हमारी आंखों ने काम किया, हमारे कानों ने काम किया, कान हमारी जो थोड़ी सी आवाज जो होगी छत के गिरने जैसी, तो जैसे ईंट वगैरह का गिरना वगैरह, उन सबको सुनकर के भागेगा, है ना, और सॉरी उन सबको सुनकर के हमारा कान दिमाग को बताएगा, दिमाग प्रोसेस करेगा, और पैर को आदेश देगा, हाथों को आदेश देगा कि अपने प्रॉपर तरीके में वो चलें, बचें और वहाँ खड़े हों. तो इस तरीके से बाहर का जो स्टिमुलस था वो क्या था कि मकान का नीचे की तरफ गिरना, उसके प्रति हमारी बॉडी ने, हमारी बॉडी पार्ट्स के ऑर्गेन्स ने एक कोऑर्डिनेशन में काम करके एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया. वो क्या दिया कि हम वहाँ से भाग खड़े हुए. तो इस तरीके से हमारी बॉडी का काम करना, एक प्रॉपर मैनर में काम करना, बॉडी पार्ट्स का एक प्रॉपर मैनर में काम करना, वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है. इसी तरीके से प्लांट में भी होता है, पर प्लांट का जो रिस्पॉन्स है बहुत स्लो होता है, स्लोली. कैसा होता है? बहुत स्लो होता है. प्लांट बहुत धीरे 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 रिस्पॉन्स करता है अपेक्षाएं एनिमल के. एनिमल थोड़ा फास्ट, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि उनका जो नर्वस सिस्टम है एक एडवांस नर्वस सिस्टम है. तो फिलहाल हम चलते हैं. द प्लांट डू नॉट हैव द नर्वस सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गेन. प्लांट के पास में डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता. किसके पास? प्लांट के पास में. तो सबसे पहले हम ये तुम्हें पढ़ाने लगे, पहले बता दें कि हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो यहाँ खत्म, इंट्रोडक्शन जो था हमारा वो यहाँ खत्म हो गया. अब हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट. सबसे पहले मैंने शुरुआत की है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट बिकॉज कि प्लांट का जो नर्वस सिस्टम है, प्लांट का जो हार्मोनल जो सिस्टम है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एज अ ह्यूमन, जितना कि ह्यूमन में है, एनिमल्स में है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल वाला हम पढ़ रहे हैं प्लांट में क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो सबसे पहले द प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम.
प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता एंड सेंस ऑर्गेन लाइक आइज, ना ही उनके पास सेंस ऑर्गेन है जैसे कि आइज, ईयर्स और नोज, बट दे कैन स्टिल सेंस द थिंग्स, फिर भी वो चीजों को सेंस कर लेते हैं, कौन? प्लांट। तो अब बात ये आती है आखिर ये प्लांट किस तरीके से सेंस करते हैं। प्लांट कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ द स्टिमुली लाइक लाइट, ग्रेविटी, ग्रेविटी लिख गया है यहां पर, थोड़ा गड़बड़ हो गया, सर क्या देता हूं इसको, ग्रेविटी, ग्रेविटी जानते हो आप लोग, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी जो जिस तरीके से हमें जमीन की तरफ अपने फेंटर की तरफ खींचती है और जिस फोर्स से भी खींचती है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ द स्टिमुली लाइक जैसे लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर एंड टच, इन सारी चीजों के प्रति प्लांट भी क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है एज अ ह्यूमन, बट ह्यूमन से डिफरेंट तरीके से, ह्यूमन की तरह करता तो है पर ह्यूमन से बहुत ही डिफरेंट तरीके से करता है, बहुत ही अलग तरीके से करता है, क्योंकि ह्यूमन जो करता है रिस्पॉन्स प्लांट की अपेक्षा बहुत फास्ट करता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। द प्लांट कोऑर्डिनेट देयर द बिहेवियर अगेंस्ट द एनवायरमेंटल चेंज, तो प्लांट कोऑर्डिनेट, वो भी अपने बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करते हैं, बिहेवियर अगेंस्ट अगेंस्ट एनवायरमेंटल कंडीशन या एनवायरमेंटल चेंज, जैसे जैसे बाहर एनवायरमेंटल चेंज आते हैं तो प्लांट भी अपने अंदर कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन बाय यूजिंग द हार्मोन्स, लेकिन सिर्फ हार्मोन्स का यूज करके, क्योंकि उनके पास में नर्वस सिस्टम नहीं है। किनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है? प्लांट के पास में नर्वस सिस्टम नहीं है। ठीक है, द प्लांट रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली वेरी स्लोली बाय ग्रोइंग, तो प्लांट जो होता है वो अलग अलग तरह के स्टिमुली, अलग अलग तरह के जो उद्दीपन है उनके प्रति जो रिस्पॉन्स करता है बहुत स्लोली करता है, जो और कैसे वो अपना रिस्पॉन्स दिखाता है, बाय ग्रोइंग, बढ़ करके अपने बॉडी पार्ट्स के अंदर चेंज ला करके वो स्टिमुली दिखाता है। ठीक है, तो ये था हमारा, अभी हमने शुरुआत की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट, इस टॉपिक के बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास बचते हैं, हम सीरीज में ये पढ़ते चले जाएंगे। इसमें कई सारी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी और उन सारी वीडियोज को देखने के साथ साथ दो बार देखें, क्योंकि हर एक टॉपिक को हमें रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो अपने अंदर ही गंदी आदत को ना पनपने दें कि आप मान लो कोई चीज़ है पढ़ ली और फिर उसे रिवाइज नहीं करते हो और फिर कहते हो कि हम पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, तो निश्चित ही आप भूल जाओगे क्योंकि आपने उसको रिवाइज नहीं किया। तो जरूरी है कि आप जिस चीज़ को भी पढ़ें उसे ट्वाइस या थ्राइस टाइम उसको रिवाइज जरूर करें, जिससे कि आपको वो लर्न हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अलग अलग टॉपिक के साथ।